हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे, एक हमारा पानी का टंकी है जो 19 फीट हाइट पे है, यानी 19 फीट हाइट पे है, और इसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है, लेकिन हम यहाँ पे 900 लीटर पानी भरने वाले हैं, और जो मोटर है हमारा वो हाफ HP का है। तो यहाँ पे कितना टाइम में ये जो हमारा टंकी है वो भर जाएगा। यहाँ पे हाइट के साथ आपको बहुत से ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे जो हमारा चापाकल हैंडपाइप होता है उससे कनेक्ट है तो वो कितना पानी में लेयर में सही है, या बात करें जो वोल्टेज हमारे घर में आती है वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको A to Z टेस्ट करूँगा और आपको दिखलाऊँगा टाइम के साथ कि कितने टाइम में हमारा जो टंकी है वो हमारा यहाँ पर फुल होने वाला है। तो जैसे कि ये हमारा मोटर है, ये जो मोटर है हमारा किलोस्कर कंपनी का है और हमारा हाफ HP का है, यानी 0.5 HP का ये मोटर है। और यहाँ पे हमारा फिट है टैंक से, और जो पानी हमारा ये जो पाइप है इनपुट जो चापाकल है उससे हमारा कनेक्ट है, जिसे हैंड पाइप भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा चापाकल है ये पानी पूरी तरह से फ्रेश दे रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है। अगर पानी की कमी हो तो भी अंतर होता है टाइमिंग में, क्योंकि जब पानी कम आएगा, प्रेशर सही नहीं रहेगा, लेयर सही नहीं रहेगा, तो आपका टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, चापाकल भी हमारा सही है। अब उसके बाद यहाँ पे आप ये जो देखेंगे जो मेजरमेंट टेप है, हम यहाँ पे हाइट मेजरमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। ये जैसे मेजरमेंट टेप है ये हमारा ऊपर चला गया है जहाँ पे पानी का टंकी लगा हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, छत पे चलते हैं। और यहाँ पे छत पे आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टंकी है हमारा पानी का वो 1000 लीटर का है, और जो हमारा मेजरमेंट टेप आया है यहाँ पे जो हाइट है उसको हम आपको दिखला देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 19 फीट है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना 19 फीट है हमारा यहाँ पे हाइट, यानी जो हमारा हाइट है वो 19 फीट है। अब यहाँ पे जो हाफ HP का हमारा मोटर है, इतने हाइट पे पानी को उसको लेकर के आना है, उसके बाद हमारा जो टैंकी है उसके अंदर हमारा पानी जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा पाइप लगा हुआ है जहाँ से हमारा पानी जाता है आउटपुट, यहाँ से यहाँ तक पानी हमारा फुल है, क्योंकि ये चालू है और कभी भी पानी ख़त्म होता है तो ये जो पाइप यहाँ पे लगा है ना इससे नीचे पानी ज़रूर रहता है। अगर कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि कितना लीटर पानी इसमें रहता है तो हर कंपनी में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन आपको 85 लीटर यानी 85 से लेकर के 115 यानी 115 लीटर ज़रूर रहेगा इसके अंदर। तो हर कंपनी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, और ये 1000 लीटर का है हमारा, तो इसके अंदर 900 लीटर और पानी आएगा, तो ये हमारा ओवरफ्लो का जो पाइप है यहाँ से पानी आउट करेगा, यानी यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ध्यान रहे कि हमें 900 लीटर ही पानी इसके अंदर आना है। अब यहाँ पे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, इस सॉकेट से चलाएँगे, और ये जो टॉप है हमारा मोटर का है। अब यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज हम देख लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज में भी फ़र्क होता है, क्योंकि वोल्टेज कम है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड कम हो जाएगा, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका 220, 200 और 240 होना चाहिए लास्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए जो वोल्टेज है हमारा वो 240 41 हो गया, अब फिर 40 हो गया, यानी जो हमारा वोल्टेज है वो एक देखिए एक चीज़ और आप देखेंगे तो फ्लैक्चुएसन हमारे यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ पर 240 एक्यूरेट है। तो ये 240 एकदम बेस्ट होता है सिंगल फेस में, 220 भी सही होता है, 230 भी सही होता है, 240 भी सही होता है। अगर 250 से क्रॉस कर जाए तो उस समय मोटर जलने के चांस या गर्म होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 240 से हमारा, और इसी में हम यहाँ पे लगाने वाले हैं टॉप मोटर का, और यहाँ पे मोटर को हम चलाने वाले हैं। यहाँ पे हमने टॉप लगा दिया और उसके बाद इस स्विच को ऑन कर लेंगे, अब हमारा मोटर चालू है। अब यहाँ पे हम टाइम देख लेते हैं, जैसे सुबह हम 7:03 पे यहाँ पे चालू कर दिए हैं मोटर को, और जो डेट है हमारा वो आज का ही है, यानी 18 तारीख है आज। और यहाँ पे अब 7:03 याद रखेंगे सुबह का, और मोटर यहाँ पर हमारा चल रहा है, और जो हमारी टंकी है चलिए उसमें भी देख लेते हैं जो पानी हमारा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी आवाज़ आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर हमारा पानी आ रहा है और ये टंकी हमारा भर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हमें ज़रूर ध्यान देना होगा, जो हमारा यहाँ पे पाइप से आउटपुट हो रहा है पानी, उसका जो वाल है उसे हम यहाँ पे बंद कर देने वाले हैं, क्योंकि अगर नीचे यूज होते रहेगा पानी तो फिर वो टाइमिंग परफेक्ट आपका नहीं हो पाएगा,
क्योंकि कितना पानी कोई यूज कर रहा है ये कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे वाल्व को हमने बिल्कुल ऑफ कर दिया। अब इसके अंदर पानी हमारा सिर्फ फुल होगा। कितना टाइम लगता है पानी यहाँ पे फुल हमारा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम आपको फिर दिखाने वाले हैं। और जब ये हमारा आउटपुट होगा, जैसे ये ऊपर का हमारा कवर है टैंक का, हमने इसे निकाल दिया था पहले ही, इसलिए क्योंकि आपको हमने दिखाना था, तो यहाँ पे हमने खोल करके हटा दिया है, इसको बाद में कस लेंगे लास्ट में। अब इसके अंदर पानी हमारा भर जाता है, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। अब जैसे कि कुछ समय बाद यहाँ पे हम टैंकी को देखे हैं तो ये फुल हो गया है लगभग। अब यहाँ पे जो ड्रेन है वो हमारा ड्रेन से पानी निकलने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रेन जो हमारा पाइप है यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर से जब हमारा पानी निकलने लगेगा तब जा कर के हम टाइम देखेंगे कि हाँ हमारा टैंकी फुल हो गया कितना टाइम में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पानी निकलने लगा, यानी इसके अंदर से पानी आ गया, यानी अब यहाँ पे हम टाइम देखेंगे। तो टाइम जैसे यहाँ पे थोड़ा धूप है और इसका जो लाइट है वो मैंने काफ़ी ब्राइटनेस लो किया है, तो थोड़ा सा हम अंधेरे के साइड चलते हैं, यानी इस साइड यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं टाइम को, तो 7:53 हो गया है, यानी ये 7:03 था और 53 एक्चुअल, देखिए ये 53 है हमारा, देखिए 54 हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 50 मिनट टोटल लगा, 50 मिनट 51 मिनट, जो वोल्टेज था हमारा 240 परफेक्ट था, वही बहुत सी जगह पे आपको 200 वोल्टेज 220 वोल्टेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम मान के चल सकते हैं 1 घंटा, यानी 60 मिनट। यानी अगर वोल्टेज बराबर है और पानी जो आपका चापाकल है, हैंड पाइप है, अगर उसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं है, यानी प्रॉब्लम नहीं है एयर का, तो आप 50 मिनट से 60 मिनट मान लीजिए हाफ एचपी का मोटर 900 लीटर, ठीक है, 900 लीटर 19 फीट हाइट पे पानी को चढ़ा देगा। अगर इसे हम मान लें कि अगर बिल्कुल हमारा खाली रहता टैंकी, तो ये हमारा 50 मिनट की जगह पे 60 मिनट लेता, यानी 1 घंटा, यानी 1 आवर्स ले लेता। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को हम यहाँ पे खोल देते हैं ताकि जो हमारा घर है उसके अंदर यूज होगा हमारा पानी, और यहाँ से पानी हमारा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक हाफ एचपी की मोटर कितना देर में कितना पानी को चढ़ा सकता है। लेकिन हाइट भी डिपेंड करता है, वोल्टेज भी डिपेंड करता है, और जो चापाकल है हमारा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।